चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएल करियर एकेडमी में। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स के बारे में शानदार चर्चा, बेहतरीन प्रश्न है, एक एक प्रश्न चुनिंदा आप जरूर पढ़िए और देखिए, शानदार तरीके से चर्चा होगी और इसके सारे स्टैटिक जीके यहां बताऊंगा मैं। तो आप लोग पढ़िए और लिखिए, अपना मैगजीन भी तैयार करिए, महीने के लास्ट में आपका एक मैगजीन तैयार हो जाएगा। पहला प्रश्न और सबसे शानदार प्रश्न, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, कल ही दो दिन पहले किया गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा, इनमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसने मिला है या किसने जीता है यह पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। इस पर सभी तरीके के इस पर पुरस्कारों को बताऊंगा, किसने घोषणा किया, कैसे है, कब मिल, सबसे मिल रहा है, ये सब के बारे में। तो फिल्म पुरस्कार की घोषणा, इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला है अजय देवगन को और सूर्या को, इन दोनों लोगों को मिला है, ए और बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुने गए हैं, अजय देवगन चुने गए फिल्म तानाजी के लिए, किसके लिए, फिल्म तानाजी या तन्हाजी, और सूर्या जो चुने गए हैं इनका फिल्म का क्या नाम है, तो जो सूर्या चुने गए हैं सुरराई पटरू, इनके फिल्म का नाम है सुरराई पटरू, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इनको इस फिल्म में काम करने के लिए दिया गया है और फिल्म तन्हाजी अनसंग वॉरियर में काम करने के लिए अजय देवगन को, अजय देवगन को तीसरी बार मिला है, अजय देवगन का ये तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनके जीवन का, ये भी याद रखना है आप लोगों को। अब कुछ और पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं और बातों पर भी चर्चा करते हैं। चलिए, अभी जो है फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है और यह फिल्म पुरस्कार जो है 2020 के लिए दिए गए रहे हैं, यह फिल्म पुरस्कार जो है 2020 के लिए दिया जा रहा है और कौन से नंबर का है यह ध्यान रखेंगे, 68वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और यह 2020 के लिए दिया जा रहा है ना, क्योंकि कोरोना कारण दिया नहीं गया है, थोड़ा सा ये लेट हो गया, पिछड़ गया है, तो 2020 का दिया जा रहा है, 2021 का अगला आएगा, है ना, और 2020 के लिए अजय देवगन और सूर्या को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के रूप में चुना गया है। अब हम बात करते हैं इन पुरस्कारों की घोषणा किसने की है, इस पुरस्कारों की घोषणा किसने की है, तो इस पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके पुरस्कारों की घोषणा की है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, सारा बात पता चलेगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए, सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर ने पुरस्कारों की घोषणा की है, अनुराग ठाकुर ने पुरस्कारों की घोषणा की है। तब पूछा जाए किसने घोषणा की है, तो अनुराग ठाकुर ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है, यह भी याद रखना है, और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नई दिल्ली में की गई इस पुरस्कार की घोषणा, नई दिल्ली में की गई, इस फीचर जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल शाह ने किया, जूरी सदस्य धर्म गुलाटी ने इन सारे पुरस्कारों की घोषणा की, पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अनुराग ठाकुर ने की, तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म इन द होलसम इंटरनेट का इंटरटेनमेंट का पुरस्कार मिला, है ना, तो ये याद रखना है। अब हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, है ना, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, तुलसीदास जूनियर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है, सर्वश्रेष्ठ
हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी, सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म, हरियाणवी सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म जो घोषित की गई है दादा लक्ष्मी, है ना, यही नाम लिखा गया है, दादा लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म है, यह भी याद रखना है आप लोगों को। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है? अपर्णा बाला मुरली, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस, यहां लिख दे रहा हूं सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? ये है बाला कृष्ण मुरली, अपर्णा बाला मुरली, अपर्णा बाला मुरली। अपर्णा बाला मुरली ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। तो इस तरीके से सारे पुरस्कारों को ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी, और अजय देवगन को तीसरी बार यह मिला है तन्हा जी के लिए, सूर्या को सुरराय पेट्रू के लिए, और बाला मुरली को भी किसके लिए मिला है? सुरराय पेट्रू के लिए। इनकी फिल्म कौन है? सुरराय पोट्रू, वो इनके लिए मिला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने इन सभी विजेताओं के नामों की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगर हम बात करें प्लेबैक सिंगर मेल, प्लेबैक सिंगर मेल राहुल देशपांडे, प्लेबैक सिंगर फीमेल नचम्मा, नचम्मा मतलब सिंगर, सर्वश्रेष्ठ सिंगर का अवार्ड फीमेल में नचम्मा, अब मेल में जो कहे मेल सर्वश्रेष्ठ सिंगर वो है राहुल देशपांडे, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे पुरस्कार है, इसको आप लोग पढ़िएगा। हाल ही में किसने दिवा एंगेज ऐप की घोषणा की है? दिवा विवा एंगेज ऐप की घोषणा की है, किसने किया है? तो यह किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक विवा एंगेज ऐप की घोषणा की है। अब विवा एंगेज ऐप है क्या? विवा एंगेज ऐप माइक्रोसॉफ्ट ने संगठनों के लिए टीमों में विवा ऐप एंगेज ऐप का संगठनों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किया है कि वह टीमों में एक नया ऐप विवा एंगेज जो पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल प्रदान करने के साथ साथ इम्यूनिटी और कनेक्शन बनाने में मदद करता है। विवा एंगेज पूरे संगठन के लोगों को लीडर्स और सहकर्मियों से जुड़ने, सवालों के जवाब खोजने, उनकी अनूठी कहानी साझा करने और काम पर अपनेपन को खोजने के लिए एक साथ लाता है। इसीलिए संगठनों के लिए टीमों में सभी संगठनों को, है ना, एक साथ लाने के लिए सभी संगठनों और टीमों को, सभी संगठनों एवं टीमों को, टीमों को एक साथ लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए, लाने के लिए, है ना, इसकी घोषणा की गई है, याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, किसने किया, मुख्यालय कहां है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई, स्थापना 4 अप्रैल ये याद रखेंगे 1975 को, 4 अप्रैल 1975 को। संस्थापक कौन है इसके? बिल गेट्स, पॉल एलन संस्थापक, बिल गेट्स और पॉल एलन दो लोगों ने मिलकर बनाया था एलन। अभी बिल गेट्स को पछाड़कर मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे अरबपति बने हैं, हाँ सॉरी अडानी, अडानी मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर है, मुकेश अंबानी सॉरी इसको रेक्टिफाई करिएगा, मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर है और गौतम अडानी चौथे अरबपति हैं, इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। संस्थापक, इसका मुख्यालय अमेरिका कैलिफोर्निया में,
है ना, इसका जो मुख्यालय है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, रेमंड वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका रेडमंड मुख्यालय, वाशिंगटन यूएसए में। सीईओ कौन है इसके, सीईओ कौन है, सत्या नडेला या नडेला, सत्या नडेला सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में विवा एंगेज ऐप जारी करने वाला माइक्रोसॉफ्ट है जो इसने जारी किया है। किसने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में किसने किया है, एस सोमनाथ, वेरी गुड, एस सोमनाथ इज द राइट आंसर। कौन है एस सोमनाथ, किसके, इसरो के, बिल्कुल सही, शानदार जानकारी, पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए। इसरो के, इसरो के क्या है, अध्यक्ष है, इसरो अध्यक्ष है ना। इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त, ये भी याद रख लो। जब आदमी को कुछ चीजें मिल जाए ना तो थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, तो थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ऊपर अप 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 जाना चाहिए, है ना, ये तरीका होना चाहिए। जब बेस तैयार हो जाए तो थोड़ा और जानकारी लेना शुरू करिए, जब वो भी हो जाए तो थोड़ा और डीप जाओ, ये करना क्या है, यही करना है। 15 अगस्त 1969 मुख्यालय, बिल्कुल सही, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यही है। बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। और इसके सोमनाथ, एस सोमनाथ जो इसके अध्यक्ष है ही, इसरो, इसरो का लॉन्च पैड कहां है, श्रीहरिकोटा, कहां है श्रीहरिकोटा में, है ना, क्या नाम है यहां पे, सतीश धवन रेड्डी नहीं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसी को बोलते हैं सार। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है, श्रीहरिकोटा, इसी को शॉर्ट बोलते हैं सार, याद रखेंगे। और यहीं से इसरो का उपग्रह छोड़ा जाता है, उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। तो याद रखना, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ना एक्सपो का उद्घाटन किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और ये सारी जानकारी ध्यान रखिएगा। भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, भारत में स्पेस साइंस के जनक, भारत में स्पेस साइंस के जनक विक्रम अंबुलाल साराभाई है ना, इनके प्रयासों से ही इसरो बना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जी सतीश रेडियो डीआरडीओ के किस देश को वर्ष 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में सबसे अधिक $87 अरब प्राप्त हुए हैं, विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में सबसे ज्यादा $87 अरब किसे मिला है, इंडिया को, इंडिया, सबसे ज्यादा विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में पैसा किसे मिला है, भारत को, कितना मिला है, $87 अरब, मतलब अब $87 बिलियन का मनी ऑर्डर से मिला है। कहां से, मनी ऑर्डर किसने भेज दिया भाई, इतना पैसा लोगों ने कमा के, मनी ऑर्डर ही तो भेजते हैं, तो पैसा कैसे आता है, मनी ऑर्डर के थ्रू ही तो आता है। तो ध्यान रखना 2021 के लिए है, पहले नंबर पर है भारत, और कितना है इसका, और ये रिपोर्ट किसने दिया भैया, ये रिपोर्ट दिया किसने है, यूएन ने, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, क्लियर है, यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें लिखा है। अब बात करें, पहले नंबर पर हो गया भारत, दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर, अरे वाह क्या बात है, मैक्सिको, चौथे पर, नहीं बताओ चौथे पर कौन है, पांचवे पर मिस्र है, तीन याद थे, भारत, चीन, मेक्सिको, फिलीपींस, पांचवे पर मिस्र। तो सबसे ज्यादा
भारत ने कितना प्राप्त किया? 87। यूएनओ के बारे में, यूएनओ क्या स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई है। मनी ऑर्डर सबसे ज्यादा मिला है भारत को। हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आईएलएस निदेशक का निधन हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आईएसएल निदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? अजय परीदा। अजय परीदा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है अजय परीदा का, है ना, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक। ऐसा प्रश्न हो जाएगा हाल ही में अजय परीदा का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो वैज्ञानिक थे, है ना, वैज्ञानिक थे और कई तरीके के इनके भारत में योगदान है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार परीदा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2014 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला। 2014 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री 2014 में इनको पद्मश्री दिया गया था, यह भी याद रखेंगे। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया। उनका शोध मुख्य रूप से अजैविक तनाव सहनशीलता के साथ जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित था। इन्होंने अजैविक तनाव और सहनशीलता के साथ जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित था, इसलिए इस पर इनका रिसर्च था। तो ध्यान रखिएगा, अजय परीदा एक वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ध्यान रखना, श्रीलंका का अभी राष्ट्रपति बताया था मैंने, अब प्रधानमंत्री बताना है, वो राष्ट्रपति है, अब आ गए प्रधानमंत्री, दिनेश गुणवर्धने, बिल्कुल बिल्कुल यही नाम है, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। आज शपथ ले लिया उन्होंने, 2 दिन पहले शपथ ले लिया श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, और ये बने हैं, ये राष्ट्रपति हैं। अभी 2 दिन पहले ये राष्ट्रपति पद के इन्होंने शपथ लिया, 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन हो गए, है ना, और 2-3 दिन इनके हो गए, गुणवर्धने ये हो गए प्रधानमंत्री श्रीलंका के। तो श्रीलंका का प्रधानमंत्री, और इनका याद रखिएगा वहां पर बहुत समस्याएं चल रही है, आपातकाल लगा दिया गया बहुत सारे, जब पहले गोताबाया राजपक्षे के त्याग पत्र देकर और देश छोड़ने के बाद लोगों ने क्या किया, वहां पे पूरे घर को घेर लिया, बहुत सारी समस्याएं हैं, श्रीलंका बहुत ही संकटों से जूझ रहा है। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, ये बन गए। श्रीलंका की राजधानी कहां है? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। उनकी आर्थिक राजधानी क्या है? कोलंबो, ये भी याद रखना है। इस तरह श्रीलंका भारत का पड़ोसी है और उनके साथ हमारा सांस्कृतिक रिश्ता भी है। क्या सांस्कृतिक रिश्ता? राम रावण वाला सांस्कृतिक रिश्ता भी है उनके साथ प्राचीन काल से, है ना, और हमारा पड़ोसी भी है, एक द्वीपीय देश है, और श्रीलंका और भारत के बीच में है ना एक पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, कभी पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे, जल संधि, जल डमरू मध्य भी कहा जाता, बिल्कुल सही, जल डमरू मध्य, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य, या अगर तमिलनाडु दे दे तो भारत भी ऑप्शन रहे, तमिलनाडु रहे तो क्या करेंगे, तब तमिलनाडु करेंगे, ज्यादा नजदीकी उन तरह हमेशा गया जाता है ना। एक और है, खाड़ी भी है, क्या खाड़ी, क्या नाम है खाड़ी, क्या नाम है पाक की खाड़ी, किसकी खाड़ी, पाक, पाक की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। कर्जा, कर्जा ले लेके घी पियो तो फिर क्या होगा, कर्जा लेके हर चीज करोगे और उसके बावजूद उस चीज को मैनेज नहीं करोगे तो क्या होगा, कर्जा बहुत है, बेचना पड़ेगा पूरा देश। उसका एक बंदरगाह है हम्बन टोटा, ध्यान रखना, हम्बन टोटा बंदरगाह कहां है, श्रीलंका में है, हाँ, अब चीन उसको जो है ना लेगा, भारत को दे रहे हैं वो लोग। 23 जुलाई को निम्न में से किसका जन्मदिवस मनाया गया है, किसका जन्मदिवस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, दोनों का, इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, दो, तब क्या, ए और बी दोनों, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, दोनों का जन्मदिवस मनाया गया है 23 जुलाई को, है ना, याद रखेंगे दोनों का ही जन्मदिवस मनाया गया है। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद का, जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ,
23 जुलाई 1900 और ये शहीद कब हो गए थे? 27 फरवरी 1931 ये दोनों ही डेट याद रखेंगे, है ना, शहीद हो गए, शहीद, इनकी पुण्यतिथि है 27 को। और कहां ये शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क है, कहां पे? इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। वहां बैठे हुए थे, अपने दोस्त का किसी ने बता दिया, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो हम पुलिस के पकड़े नहीं जाएंगे इस संकल्प साथ उसने खुद को गोली मारी। वहीं पर इनकी मूर्ति लगाई गई है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, है ना। अच्छा, इनका जन्म हुआ कहां? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था, किस राज्य में हुआ था, उस समय के किस प्रांत में हुआ था? पंजाब में नहीं, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था अलीराजपुर जिला भाखरा गांव, भाबरा गांव, मध्य प्रदेश। कहां हुआ था? अलीराजपुर जिला, अलीराजपुर, ये कहां है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, एमपी में। और गांव का नाम क्या है? भाबरा, भाबरा गांव में 23 जुलाई 1906 अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने एक संगठन बनाया था एचएसआरए, एचएसआरए कब बनाया इन्होंने? 1928 में। कहां बनाया? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली कोटला मैदान में बनाया था एचएसआरए। चंद्रशेखर आजाद के बारे में इस तरीके से जानकारी रखिएगा, बहुत ही शानदार स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलक का जन्म कब हुआ भाई? तिलक का जन्म हुआ 13 जुलाई 1858 को, 23 जुलाई 1856, 23 जुलाई 1800। कब इनकी मृत्यु हुई? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन शुरू जिस दिन हुआ उस दिन सुबह इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तिलक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान, है ना। इन्होंने जेल में किताब लिखी थी, मांडले जेल में। कौन सी किताब लिखी थी? मांडले जेल में किताब। ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ये ऐसे लोग हैं, मैं बताऊं तो बहुत समय लगेगा। मांडले जेल में गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखा है? इन्होंने। कहां पे लिखा है? मांडले जेल में, जब थे म्यांमार में, है ना, मांडले, हाँ, तो मांडले जेल में लिखा। जब इनको कब बंद किया गया था? 1908 में, 6 वर्षों के लिए, तब उसी मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी। इनकी दो जो है पत्रिकाएं हैं, क्या नाम है? मराठा केसरी। महाराष्ट्र में इन्होंने दो उत्सव शुरू किए थे, कौन से उत्सव शुरू किए थे इन्होंने? गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया, गणपति उत्सव, और 1895 में शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव। क्रांतिकारी उग्रवादी नेता थे, है ना, क्या थे? उग्रवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में क्या चलाया था? होम रूल लीग, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग शुरू किया था इन्होंने, है ना। तो ये ध्यान रखेगा, 28 अप्रैल 1916 में, ये सभी बातें याद रखेगा। तो दोनों लोगों का जन्मदिन 23 तारीख को था, ये याद रखना होगा। बहुत सारे इंफॉर्मेशन इनमें आएंगे, एक मैंने छोटा सा इंफॉर्मेशन बताया, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? प्रसारण दिवस कब? जुलाई, 23 जुलाई, परसों मनाया गया 23 जुलाई को, है ना, 23 जुलाई परसों मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब देखिए, 23 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, है ना। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भाई? ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते कब, क्यों हैं? तो भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य भारतीय नागरिकों को हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव के बारे में याद दिलाना। उद्देश्य क्या है भारतीय नागरिकों का हमारे जीवन पर? इसका उद्देश्य अगर हम देखें
उद्देश्य भारतीय नागरिकों के जीवन पर रेडियो के प्रभाव के बारे में है ना बताने के लिए, उनके जागरूकता बढ़ाने के लिए, इनके प्रभाव के बारे में याद दिलाना है, प्रभाव के बारे में याद दिलाना है, इसीलिए मनाया जाता है रेडियो दिवस, है ना। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यहां मनाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय मतलब भारत में मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में ब्रॉडकास्टिंग के लगभग ऑल इंडिया रेडियो से शुरू होने से करीब 13 साल पुराना है। जून 1923 में है ना, ये जो है ब्रिटिश राज में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। इसके बाद 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई, लेकिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी। यही कारण है कि 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927, इंडियन, ये पूछा गया प्रश्न है, ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कब आई थी, तो 23 जुलाई 1927 को। इसीलिए 23 जुलाई को प्रतिवर्ष रेडियो दिवस मनाते हैं, इसीलिए प्रतिवर्ष 23 जुलाई को रेडियो दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की स्थापना 1936 दिल्ली में हुई। कब से मनाया जा रहा है ये, 1936 से दिल्ली में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है मनाया जा रहा है। यह कब स्थापित हुआ, 1936 दिल्ली में। इसका राष्ट्रीय प्रसारण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय प्रसारण के मालिक प्रसार भारती है। इसको कौन चलाती है, प्रसार भारती इसको चलाती है, या आप कह सकते हैं कौन मैनेज करती है, प्रसार भारती, प्रसार भारती इसको मैनेज करती है। तो ये आप याद रखेंगे सारी बातें, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कारगिल युद्ध का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अवश्य आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जय हो विजय हो अभियान नहीं, मोटरसाइकिल अभियान, देख लो कोई सोचेगा भी नहीं, मोटरसाइकिल अभियान। आप देखोगे इसका तमाम फोटो है ना। कारगिल युद्ध का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में अभियान चलाया, मोटरसाइकिल अभियान चला शुरू किया है, लिख लेना लोग, जय हो विजय हो थोड़ा परे खुंखार शब्दों में जाएंगे, लेकिन इसको देखो, कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया मोटरसाइकिल अभियान है ना, यह शुरू किया गया है। अच्छा, कारगिल के बारे में हम जानते हैं, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में है ना, और कारगिल दिवस मनाते कब है जानते हैं आप लोग, कारगिल दिवस मनाया जाएगा कल अर्थात 26 जुलाई को। कारगिल पर विजय प्राप्त किया था, कारगिल विजय हुआ कब, 26 जुलाई 1999, तो कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई थी। 26 तारीख को प्रतिवर्ष कारगिल दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, कारगिल दिवस मनाते हैं, और कारगिल यह है किस में, तो लद्दाख में है कारगिल दिवस, तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, कारगिल की लड़ाई में सेना ने कौन सा अभियान चलाया था ये बताइए, कारगिल युद्ध जो पाकिस्तान से हुआ किससे हुआ, पाकिस्तान से हुआ, तो कारगिल युद्ध के दौरान सेना ने कौन सा अभियान चलाया था भाई, ऑपरेशन विजय, शुरू में नाम तो रखा था, इसमें लिखा भी है ऑपरेशन विजय, ये अभियान चला था कारगिल युद्ध में, ऑपरेशन विजय, ये कभी पूछा जा सकता है ऑपरेशन विजय भारतीय सेना ने कब चलाया, तो कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई, तीन महीने, मई से जुलाई के बीच 1999 में कश्मीर के कारगिल में सशस्त्र संग्रह का नाम है। कारगिल युद्ध हुआ कब से कब तक था,
क्या बताएंगे, मई से जुलाई के बीच में, और 26 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, इसी की वजह से 90,000 सैनिक पकड़ लिए गए थे, है ना, बहुत सारे सैनिक पकड़ लिए गए थे, है ना। तो अब देखो यह जो मनाया जा रहा है ना, यह अभियान कब से शुरू हुआ है, ये जो अभियान शुरू हुआ साइकिल अभियान 18 जुलाई से, है ना, 18 जुलाई से, और ये कब तक चलेगा, 26 जुलाई तक। कब से शुरू हुआ, 18 जुलाई से शुरू हुआ, 26 जुलाई तक चलेगा। और यह अभियान शुरू किसने किया है, तो शुरू करने वाले का नाम भी लिख लीजिए, उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। उप थल सेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, और वाइस थल सेना प्रमुख कौन है, बीएस राजू। उप थल सेना प्रमुख बीएस राजू, इन्होंने ही क्या किया है, इसका शुरुआत किया है। तो सब बात याद रखना, कारगिल विजय से संबंधित 26 जुलाई को कल कारगिल दिवस भी मनाया जाएगा। वीएस राजू उप सेना प्रमुख है, सेना प्रमुख हमारे हैं कौन, मनोज पांडे। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कुवैत एक देश है, और कौन कहां पे पड़ता है, अरबियन प्रायद्वीप में, है ना, अरबियन प्रायद्वीप में, सऊदी अरब का पड़ोसी, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम, ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कुवैत के, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह ने शेख मोहम्मद सबा अल सलीम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फरमान जारी किया है। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद मोहम्मद अल सबा द्वारा अपना इस्तीफा सौंपाए जाने के 3 महीने बाद आती है, तो जो पिछले 2.5 वर्षों में चौथा है, तो इस तरीके से इन्होंने यहां पर लिया है, है ना। तो नए प्रधानमंत्री, अब कुवैत के बारे में जानते हैं, कुवैत की राजधानी कहां है, कुवैत, कुवैत है अरब प्रायद्वीप में आता है, अरब प्रायद्वीप, अरबियन प्रायद्वीप आता है एशिया में, ओवरऑल किस में आता है, एशिया में, लेकिन अगर प्रायद्वीप पूछ ले तो अरबियन प्रायद्वीप में आता है कुवैत। राजधानी है कुवैत सिटी, राजधानी क्या है, कुवैत सिटी, और यहां की मुद्रा क्या है, यस दीनार, है ना। बहुत ऐसा कहा जाता है कि कुवैत दुनिया का सबसे अमीर देश है ना, लेकिन बहुत बेकार देश भी है, कई मामलों में नीचे 2 नंबर पे है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है इनकी जो है उतना अच्छा सा माइंड डेवलप नहीं हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर हर चीज, यहाँ सोने की कोई खास वैल्यू नहीं है, वो तो आए दिन सोना, जैसे हमारे वहां सोना चीनी है, मतलब सोना मिल जाए, किसी को 2 किलो सोना दे के कहा जाए कि बाबू तू पढ़ाई छोड़ दे, वो कल से ही किताब भी दे के जाएगा, वो अपना 2 किलो सोना आपके दे दिया जाए, बोला जाए पढ़ाई छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे, 2 किलो सोना करोड़ों का हो जाएगा, उसका कोई बिजनेस कर लेंगे, नौकरी से ज्यादा कमाई होगी, नहीं होगी, आलिशान बंगला खरीद सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, अल मोहम्मद सबा अल सलीम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।